वोटन ज्यादा नीरू वोट त्रे इनशाला कामयाबी मगर ज्यादा नीरू वोट त्रे वोट त्रो ज्यादा सो सी कामयाबी। शबीर साहब अस्सलाम जी, आप बिहार पकड़ना से हो? जी 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 सर। आज की वोटिंग के बारे में आपकी क्या राय है? हमारी बहुत राय, हम शुक्र गुजार है की हमें ये इलेक्शन का जमहूरियत में आने का आज वो टाइम से हक मिला है, इसमें हम खुश है। और हमें ये इसलिए वोट डालने निकले हैं की हमें यहाँ डेवलपमेंट होने चाहिए, तरक्की होने चाहिए, और हमारे साथ जो 4-5 साल से पहले कुछ बेइंसाफी हुई उसके खिलाफ हमें वोट देना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हकूक है हमारा हकूक बहाल होने चाहिए वो डेवलपमेंट के लिए। हाँ, डेवलपमेंट के लिए, और हमारा हकूक के लिए लड़ेगा वो, और दिल्ली में जाएगा, हमारी नुमाइंदगी करेगा। जो हमारे साथ 2019 के बाद हमारी असम्बली छीनी गई, हमारी ज़मीनों पर हमला किया गया, हमारे मकानों पर हमला किया गया, हमारे से नौकरी छीनी गई, जो भी हमारा स्टेट फूट का था वो छीना गया, उसके खिलाफ वो लड़ेगा इंशाल्लाह। हमारा रियासत 2024 के इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप आवाम के लिए कुछ खास बात कहना चाहते हैं? आवाम के लिए बहुत है, आवाम ने जमहूरियत में निकल कर ये वोट डाला है, इसलिए बड़ी जमहूरियत तो अच्छा है हमारे लिए, हमने खुलकर वोट दिया है। हमारा जो नुमाइंदा आएगा इंशाल्लाह हमने अच्छा आएगा, वो हमारे कश्मीर के लिए अच्छा करेगा, और सेंटर में हमारी गवर्नमेंट आएगी इंशाल्लाह। जी जी ठीक है, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मीडिया वालों का हम बहुत शुक्रिया करते हैं, मीडिया वाले हमारे पास आए हैं। आपका नाम? मोहम्मद अमीन आवान। जी मोहम्मद अमीन आवान, आज आप वोट डाल रहे हैं लोकसभा 2024 की। हाँ सर, आपका जो सही उम्मीदवार जिसको आप चुन रहे हो, आप उसके क्या उम्मीद है? उम्मीद ये है सर, एक तो पहले जब सत्ता में आया तो उसने बहुत ईमानदारी से काम। सर आप बात किसकी कर रहे हो? हम अल्ताफ साहब की, मियां अल्ताफ साहब की, क्योंकि पहले तो उसका निशान हल्का है, हम जिम्मेदार लोग हैं, इसलिए हमें उम्मीद यही है कि आगे जाकर भी ये हमारी अच्छी तरीके से नुमाइंदगी करेगा। दूसरी, हम माल मवेशी वाले लोग हैं, इसको पता है कि इनके माल की जरूरत कैसी होती है, इनको क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि जो सबका सरकार चल रही थी इसमें हमारा बहुत डैमेज हुआ, इसमें हमें कुछ मिला, हमारे माल की कीमत थी जो थी वो बिल्कुल डाउन हुई, हमारी जमीन की जो पैदावार थी वो भी अच्छे तरीके से आई। 8 सालों से इंडिया में गैस की रेट, पावर की रेट, बिजली की रेट बढ़ रही है, बढ़ रही है। हमारे तो कमरे से आपकी हुकूमत लगती है कि अगर आप नुमाइंदा चुना हुआ नुमाइंदा कैंडिडेट अगर आपको मिल जाएगा वो फिर इसमें कुछ इंशाल्लाह ये हमें उम्मीद है, हमारी तो कमरे तोड़ दी महंगाई ने, सब दे तो हम ले ही नहीं सकते, पानी के साथ अपने खाने पीने का गुजारा कर सकते हैं, गैस सिलेंडर तो हाथ पर पहुंच गया, दूसरी जनाब ये है पावर, उसकी फीस तो हम मुका ही नहीं सकते। कुछ लोग रोते हैं हमारी कमेटी के, कहते हैं कि किस शामत में हम लग गए, अगर हमने ये पावर लगाई ना होती तो इतना बोझ हमारे ऊपर नहीं। हमारी तो कमरे तोड़ दी महंगाई ने, सब दे तो हम ले ही नहीं सकते, पानी के साथ अपने खाने पीने का गुजारा कर सकते हैं, गैस सिलेंडर तो हाथ पर पहुंच गया, दूसरी जनाब ये है पावर, उसकी फीस तो हम मुका ही नहीं सकते। कुछ लोग रोते हैं हमारी कमेटी के, कहते हैं कि किस शामत में हम लग गए, अगर हमने ये पावर लगाई ना होती तो इतना बोझ हमारे ऊपर नहीं। अक्सर बोलने कि कैंडिडेट नामिनेट इस बार हमें शिकायत अक्सर ये हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, जो पास्ट में रहा है एक्सपीरियंस रही है, जो भी हमने साउथ कश्मीर से पार्लियामेंट मेंबर को भेजा, क्या वो किस पार्टी का भेजा होगा, उसी आवाज वहां तक, हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच गई। इस बार हमें उम्मीद है कि मियां अल्ताफ साहब काफी मतलब शरीफ
और ऑनेस्ट आदमी है, उम्मीद है कि वो यहाँ से दिल्ली जाकर हमारी आवाज वहां तक पहुंचाएंगे। हमें दो मुद्दों पर आज वो डालना है, एक तो एम्प्लॉयमेंट, दूसरी डेवलपमेंट। बस इन दो मुद्दों के, खासकर यहाँ की जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हम आगे वोट दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो भी मतलब पार्लियामेंट मेंबर हमने भेजा है, बिल्कुल अभी तक जो पार्लियामेंट में, हम तो स्टेट असेंबली की बात नहीं करेंगे, पार्लियामेंट में भी जो भी हमने हमें मेंबर भेजा है उसकी उसकी मतलब उसकी कारकर्दगी जीरो के बराबर रही है। इस बार हमें उम्मीद है कि कोलिशन गवर्नमेंट इंडिया अलायंस का जो कैंडिडेट है मियां साहब, उम्मीद है कि उसके हमें काफी उम्मीदें वापस है। चलो शाकत साहब, शुक्रिया आपका साथ देने के लिए। मुबशर रिपोर्टर इंडिया टीवी न्यूज। थैंक यू। जी आप बिहार पकड़ना से हो। जी सर, आज की वोटिंग के बारे में आपकी क्या राय है? हमारी बहुत राय, हम शुक्र गुजार है कि हमें ये इलेक्शन का जमहूरियत में आने का आज बहुत टाइम से हक मिला है, इसमें हम खुश है। और हमें ये इसलिए वोट डालने निकले हैं कि हमें यहाँ डेवलपमेंट होने चाहिए, तरक्की होने चाहिए, और हमारे साथ जो 4-5 साल से पहले कुछ बेइंसाफी हुई उसके खिलाफ हमें वोट देना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हकूक है हमारा हकूक बहाल होने चाहिए। 2019 से लेकर आज तक हालातों में बेहतरी आई है, कोई बात नहीं, लोग अच्छी तरीके से वोट के लिए निकले, अपने वोट अपने सही उम्मीदवार का चुनाव कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपका जो सही उम्मीदवार जो आप चुन रहे हो वो इसके बाद आपकी जो मांगे हैं, जो डिमांड है, जो आपकी प्रॉब्लम है वो हल करेगी इंशाल्लाह? अक्सर देखा जाता है कि ये कुर्सी अब पे ये इत्तेहार में आते ही फिर भाग जाते हैं, क्या आपको लगता है कि जो आपका सही उम्मीदवार है इंशाल्लाह नहीं भागेंगे वो डेवलपमेंट के लिए? हाँ, डेवलपमेंट के लिए और हमारा हकूक के लिए लड़ेगा। वो दिल्ली में जाएगा, हमारी नुमाइंदगी करेगा, जो हमारे साथ 2019 के बाद हमारी असेंबली छीनी गई, हमारी जमीनों पर हमला किया गया, हमारे मकानों पर हमला किया गया, हमारे से नौकरी छीनी गई, जो भी हमारा स्टेट फूड का था वो छीना गया, उसके खिलाफ वो लड़ेगा इंशाल्लाह। हमारा रियासत 2024 के इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप आवाम के लिए कुछ खास बात कहना चाहते हैं? आवाम के लिए बहुत है, आवाम ने जमहूरियत में निकल कर ये वोट डाला है, इसलिए बड़ी जमहूरियत तो अच्छा है हमारे लिए ही, हमने खुलकर वोट दिया है। हमारा जो नुमाइंदा आएगा इंशाल्लाह हमें अच्छा आएगा, वो हमारे कश्मीर के लिए अच्छा करेगा और सेंटर में हमारी गवर्नमेंट आएगी इंशाल्लाह। जी ठीक है, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मीडिया वालों का हम बहुत शुक्रिया करते हैं, मीडिया वाले हमारे पास आए हैं। आपका नाम? मोहम्मद अमीन नवान। जी मोहम्मद अमीन नवान, आज आप वोट डाल रहे हैं लोकसभा 2024 की। हाँ सर, आपका जो सही उम्मीदवार जिसका आप चुन रहे हो, आपको उसके क्या उम्मीद है? उम्मीद ये है सर, एक तो पहले जब सत्ता में आया तो उसने बहुत ईमानदारी से काम। सर आप बात किसकी कर रहे हो? हम अल्ताफ साहब की, मियां अल्ताफ साहब की, क्योंकि पहले तो उसका निशान हल्का है, हम जिम्मेदार लोग हैं, इसलिए हमें उम्मीद यही है कि आगे जाकर भी ये हमारी अच्छी तरीके से नुमाइंदगी करेगा। दूसरी, हम माल मवाशरी वाले लोग हैं, इसको पता है कि इनके माल की जरूरत कैसी होती है, इनको क्या चाहिए, क्या होना चाहिए। दूसरे इंशाल्लाह आगे भी हमें ये कम्युनिटी के जो रिजर्वेशन थी उनसे वो ये वापस ली गई। हाँ। आपको लगता है कि नई सरकार आने के बाद आपको वो जो इंशाल्लाह हमें उम्मीद मिलेगी, हमें उम्मीद मिलेगी, क्योंकि जो सबका सरकार चल रही थी इसमें हमारा बहुत डैमेज हुआ, इसमें हमें कुछ मिला, हमारे माल की कीमत जो थी वो बिल्कुल डाउन हुई, हमारी जमीन की जो पैदावार थी वो भी अच्छे तरीके से आई। 8 सालों से इंडिया में गैस की रेट, पावर की रेट, बिजली की रेट बढ़ रही है, बढ़ रही है। हमारे तो कमरे से आपकी हुकूमत लगती है कि अगर आप नुमाइंदा चुना हुआ नुमाइंदा कैंडिडेट अगर आपको मिल जाएगा वो फिर इसमें कुछ इंशाल्लाह ये हमें उम्मीद है, भरपूर उम्मीद है कि हमारी तो कमरे तोड़ दे महंगाई ने, सब दे तो हम ले ही नहीं सकते, पानी के साथ अपने खाने पीने का गुजारा कर सकते हैं, गैस सिलेंडर तो हाथ पर पहुंच गया, दूसरी जनाब यह है पावर, उसकी फीस तो हम मुका ही नहीं सकते। कुछ लोग रोते हैं हमारी कमेटी के, कहते हैं कि किस शामत में हम लग गए, अगर हमने ये पावर लगाई ना होती तो इतना बोझ हमारे ऊपर नहीं पड़ता। आपका शुक्रिया इंडिया टीवी के साथ, ये मुबशर रिपोर्टर इंडिया टीवी जाएगा। कभी हमारी गवर्नमेंट आई उन्होंने पार्लियामेंट में हमारा गुजर लीडर नहीं चुना,
आज हमारे लिए बड़ी खुशी है, हमारा लीडर जाएगा। उसको पता है ये बैकवर्ड वाले, ये साइड में रहते हैं, जंगलात में रहते हैं, इनका कहाँ इनका डेवलपमेंट होगा, कहाँ इनकी जमीन बचेगी, कहाँ इनका रोजगार बचेगा। उसको पता बेरोजगारी यहाँ बहुत, हमें वोट डालना नहीं था लेकिन हमने देखा बेरोजगारी, हमें हमारे बच्चों का मुस्तकिल कैसे बढ़ेगा, हमने तो अपना दिन निकाल दिया, हमारा मुस्तकिल कहाँ से बढ़ेगा, तालीम कैसे बढ़ेगी, बेरोजगारी सबसे होगी। 2019 के बाद जितनी महंगाई हुई है, हम 400 रुपया कमाते हैं, 800 रुपया हमारा हम पर खर्चा है। मैं गरीब हूँ, एक मजदूर रहा, मैं 850 रुपया बिजली का बिल भरता हूँ, वही 850 एक मुलाजिम भरता है। ठीक है, हम कमाएंगे क्या, बिजली को वालों को देंगे, पानी वाले को देंगे कि अपने अयाल को पालेंगे, ये हम पर बहुत जुल्म हुआ है। चलो, आपका कहना है कि आप जो ये यहाँ पे जो राइट्स है वो हर एक को सही तरीके से नहीं मिल रहे हैं। नहीं नहीं मिल रहे, नहीं आपका चुना हुआ नुमाइंदा इन सारे मसाइलों का हल करेंगे इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है, अल्लाह पर उम्मीद है और उसके नुमाइंदे पर हमें उम्मीद है। ओके, आपका हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुबश्शिर रिपोर्टर, इंडिया टीवी न्यूज़।